गली में आओ जी, कपड़े लेके जाओ जी, आ गया है देखो नया माल, सबसे अला सबसे खास क्वालिटी है। दिव्यांग एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के जेर एहतमाम, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि शहर मालेगांव की हर सियासी समाजी मिली तंजीमें इस लॉकडाउन के खिलाफ अपना अपना एहतजाज दर्ज करा रही है। शहर मालेगांव की एक फाल तंजीम बनाम दिव्यांग सोसाइटी, जो कि माजरों के मसाइल को लेकर मुसलसल सरगर्म रही है, वो भी सिर्फ वो माजरों के काम तो करती है, साथ में समाज के साथ भी चलने की कोशिश कर रही है और वो चाहती है कि इस एहतजाज में वो भी अपना नाम दर्ज कराए। जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र सरकार एक मरतबा फिर लॉकडाउन लगाने के दर पे है, तो मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं कि एक ऐसा शख्स जो जिस्मानी एतबार से उसके हाथ पांव सब सलामत है और वो अच्छा खासा पैसा भी कमा लेता है, मगर इस लॉकडाउन की वजह से वो मासी बोरान का शिकार है, तो मैं सरकार को ये बताना चाहता हूं कि एक आम इंसान जिसका हाथ सलामत है, पांव सलामत है, वो लोग भी बहुत ज्यादा परेशान है, तो ऐसे आलम में हम माजूरों का क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। इस लॉकडाउन लगने से एक माजूर शख्स बहुत परेशान हो सकता है। आज आप हिंदुस्तान का जायजा ले लो, सबसे ज्यादा अगर कोई इस कोरोना वबा से पीड़ित है तो वो माजूर है। उसकी वजह मैं बताता हूं, क्योंकि अक्सर माजूर लोग एक्टिवा इस्तेमाल करते हैं तीन चार की, और उसका ओवरेज बहुत कम होता है। जब वो साइड में एक्स्ट्रा दो चाक लगाते हैं तो इससे पेट्रोल की ज्यादा खपत हो जाती है। आज हिंदुस्तान की जो सरकार है वो मुसलसल पेट्रोल का दाम बढ़ाती जा रही है, और जो एक्टिवा होती है ये हमारी टांग होती है। हम इस एक्टिवा के जरिए आमदो रफ्त करते हैं, हम अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा करते हैं, तो इस वबा से सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो इस हिंदुस्तान का माजूर है। तो मैं महाराष्ट्र सरकार से गुजारिश करूंगा कि वो लॉकडाउन ना लगाए और ज्यादा से ज्यादा माजूरों पर ध्यान दे, दिव्यांग भाइयों पर ध्यान दे, क्योंकि इस वबा से पूरे हिंदुस्तान का जो दिव्यांग शख्स है वो बहुत ज्यादा परेशान है। लॉकडाउन हमें, लॉकडाउन हमें, लॉकडाउन हमें। आज हम हाथों में ये फाइल लेकर ये बताना चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी के जो लीगल एडवाइजर के जरिए सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अकवामे मुत्तहिदा तक हमारे लेटर गए हैं। इस फाइल के अंदर तमाम लेटर कैद हैं, इसीलिए हम ये बजा कर एहतजाज कर रहे हैं। तो ये जो आज का हमारा एहतजाज है, फाइल बजाओ एहतजाज, ताकि सरकार हमारे मुतालबात सुने और जल्द से जल्द जो हमारे पेंडिंग काम है उसको जल्द से जल्द पूरा करे, ऐसे मैं महाराष्ट्र सरकार को विनती करता हूँ। तो ये भाई को ना इधर किनारे करो, हाँ, ये इनके चेहरे पे रोशनी ज्यादा रहेगी तो बोलो तुम आओ, तुम बाजू में चले जाओ। अरे अरे ठीक कर देना, बात 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 ये पूरा है, कोई